नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम इस क्लास में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का नवा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों हम इस डेली प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के रिविजन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप UK SSSC या UK PSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, और आपने अगर पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 200। फ्रेंड्स, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, यहां से 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ये कप मार्क्स दोस्तों 12 समांतर पंक्तियों में प्राप्त हुए हैं, ये भी आप याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों 1817 ईस्वी में रिवेट कारनाक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किसके द्वारा खोज की गई थी और कब की गई। ठीक है दोस्तों, द्वाराहाट की बात करें हम तो द्वाराहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र और दोस्तों कुमाऊ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी झटेला। दोस्तों जो खस जाति थी, इस खस जाति में अगर स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर ले, ठीक है, और दोस्तों उस व्यक्ति से पहले जो उसका पति था, उस पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब देखिए, खस जाति की बात करें हम तो खस जाति को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 1885 में। ठीक है, और दोस्तों खस जाति के समय ही उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, खस जाति के काल को उत्तराखंड में चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन एक्स्ट्रा पॉइंट को यहाँ पर नोट किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे झटेला प्रथा है, ऐसे ही दोस्तों इस खस जाति में अन्य प्रथाएं भी हैं। ठीक है, जैसे देवदासी प्रथा, टेकुआ प्रथा और घर जमाई प्रथा। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि टेकुआ प्रथा किस जाति में प्रचलित थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है खस जाति में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है। दोस्तों थराली चमोली, इसके निकट कीमनी गांव है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, कीमनी गांव यह है पिंडर नदी के तट पर स्थित है, यह आपको याद रखना है, और यहां से दोस्तों सफेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके रिवीजन के लिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हर एक दोस्त मेरा अपने 5-5 दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चौथा प्रश्न रहेगा कि पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊँ के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊँ के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बोधगया अभिलेख है तो यह किसका है, तो दोस्तों पुरुषोत्तम सिंह का। ठीक है, जिसमें कुमाऊँ के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि ऐसा राज्य है जो गंगा नदी से कर्णाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था, तो ये था दोस्तों ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य है ये दोस्तों, गंगा नदी से लेकर कर्णाली नदी के मध्य विस्तृत था। ठीक है, जिसे पर्वताकार नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जागेश्वर स्थित लकुलेश एवं नटराज
मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और यह दोस्तों जट या जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ दोस्तों लकुलेश एवं नटराज मंदिर का जो निर्माण कराया तो वह दोस्तों इष्ट गण के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और इसके द्वारा ही दोस्तों समस्त हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोर एवं सीरा में पट्टी को गरखे कहते थे जिसका प्रशासक होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेगी। दोस्तों सोर एवं सीरा में पट्टी को गरखे कहा जाता था और इस गरखे का जो प्रशासक होता था तो वह दोस्तों नेगी होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। फ्रेंड्स श्रीयंत्र टापू कांड ये दोस्तों उत्तराखंड की एक इम्पोर्टेंट घटना है जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि श्रीयंत्र टापू कांड की घटना जो घटी तो वह 10 नवंबर 1995 को घटी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों दो व्यक्ति शहीद हुए थे जिनका नाम है यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत, ठीक है। नवा प्रश्न है कि शिवालिक हिमालय की ऊंचाई क्रमशः होती है। दोस्तों शिवालिक हिमालय इसकी ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर तक होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसे दोस्तों शिव की भों के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर ही दोस्तों आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। तो यह आया था दोस्तों 1 सितंबर 1893 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1 सितंबर 1893 को बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, ठीक है। दोस्तों भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस पैमाने में जो दोस्तों अंक दर्शाए जाते हैं तो वह 9 अंक तक ही दर्शाया जाता है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारा 1 सितंबर 1893 को भूकंप आया था, इस भूकंप से दोस्तों पूरे गढ़वाल में बहुत क्षति हुई थी और जो टिहरी रियासत थी तो वह भी दोस्तों ध्वस्त हो गई थी। इस समय टिहरी रियासत का जो राजा था तो वह प्रद्युम्न शाह था, ठीक है। और दोस्तों 1791 में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? दोस्तों गोरखाओं के द्वारा, ठीक है। पर दोस्तों गोरखा पराजित हुए थे और वह मौका ढूंढ रहे थे कि कब गढ़वाल पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि जो कुमाऊं क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र को यह पहले से ही जीत चुके थे 1790 में, पर दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र को नहीं जीत पाए थे। तो ये मौका ढूंढ रहे थे और ये मौका जो उन्हें मिला तो दोस्तों इस भूकंप के दौरान ही मिला था, क्योंकि टिहरी रियासत पूरे तरीके से दोस्तों ध्वस्त हो चुकी थी और जो राजा था उसकी पूरी रियासत दोस्तों कमजोर हो चुकी थी। तो इस चीज़ का मौका उठाकर दोस्तों 1803 में गोरखाओं ने दोबारा गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये आप पूरी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत है। दोस्तों चार नदियां दी हैं और चारों नदियों की लंबाई दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी नदी की लंबाई गलत है। तो दोस्तों टोंस नदी, इसकी लंबाई 148 मीटर है, दोस्तों पहला ऑप्शन राइट है। यमुना नदी, इसकी लंबाई 136, ये दोस्तों किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी दोस्तों सही है। भिलंगना नदी, इसकी जो लंबाई है दोस्तों तो ये भी दोस्तों सही है, 110 मीटर। गंगा नदी, तो इसकी भी दोस्तों लंबाई सही है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी टूटी हो गई, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, ये आपको याद रखना है। भिलंगना की भी लंबाई 110 मीटर है, यमुना की 136, टोंस की 148 और गंगा की भी दोस्तों 96 मीटर लंबाई है, क्योंकि गंगा नाम जो पड़ता है भागीरथी नदी का तो वह दोस्तों देवप्रयाग के बाद पड़ता है और देवप्रयाग से लेकर दोस्तों हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कौन सा बुग्याल मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बुग्याल, जो बुग्याल होते हैं तो वह दोस्तों मखमली घास का मैदान ही होते हैं, पर इन चार ऑप्शन में जो सही आंसर रहेगा तो वह दोस्तों ऑप्शन सी है, केदारकांठा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, चाईसिर बुग्याल भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है, और मानेक बुग्याल, ये दोस्तों चारों बुग्याल हमारे उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है, पर जो मखमली घास का मैदान है तो वह दोस्तों केदारकांठा बुग्याल में है। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार केदार मंदिर का जो निर्माण हुआ था तो वह 10 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मातंग गुफा स्थित है? दोस्तों मातंग गुफा तो यह है आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है, वारी नामक आभूषण धारण किया जाता है? तो दोस्तों वारी नामक आभूषण यह है गले में धारण किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों हम रोज आभूषण से एक प्रश्न अपनी क्लास में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आभूषण से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो वारी नामक आभूषण है तो वह गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि नृत्य करते गणपति की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों गणपति मतलब गणेश, इनकी मूर्ति जो मिली है नृत्य करती हुई तो वह दोस्तों जोशीमठ चमोली से मिली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है? तो दोस्तों उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर ये दोस्तों 70.70% है। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये पूरी 70% भी देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है तो वह दोस्तों 70.70% है। दोस्तों हम साक्षरता को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में जो औसत साक्षरता है तो वह 78.82% है। ठीक है, उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता का जो स्थान है तो वह दोस्तों 87.40% है। ठीक है, महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 70.70%, नगरीय साक्षरता प्रतिशत दोस्तों 84.45% है, ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत ये दोस्तों 76.31% है। ठीक है दोस्तों, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में देश में 17वां स्थान है। ठीक है, पुरुष साक्षरता का देश में 13वां स्थान है, महिला साक्षरता का देश में 20वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा 17वां दोस्तों पुरुषों का, सॉरी पूरी औसत साक्षरता का स्थान है देश में, 13वां पुरुषों का और महिलाओं का 20वां स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है तो दोस्तों देहरादून आपको याद रखना है, 84.25%। ठीक है, और सबसे कम तो दोस्तों उधम सिंह नगर की है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग की है, और महिला साक्षरता दर दोस्तों देहरादून में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा साक्षरता को लेकर। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि कृपाराम जोशी किस जनजाति से संबंधित हैं? दोस्तों कृपाराम जोशी यह जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं, जो कि जौनसारी क्षेत्र के एक प्रमुख समाज से भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जौनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है, तो इसके प्रमुख समाज से भी थे कृपाराम जोशी। अब देखिए, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि किन्हें कहा जाता है तो पंडित शिवराम को। ठीक है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तों गुलाब सिंह को। फादर ऑफ जौनसार भाबर क्षेत्र का किसे कहा जाता है तो दोस्तों भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। ठीक है, और जौनसार भाबर क्षेत्र के ही दोस्तों वीर चंद्र केसरी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई। तो दोस्तों राज्य में गंभीर मरीजों को पहाड़ों से
सड़क तक लाने के लिए डोली सेवा योजना जो शुरू की गई तो वह अप्रैल 2012 में शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और आपसे पूछ लिया जाए कि एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई तो वह दोस्तों 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी की स्थापना कब की गई तो दोस्तों ये की गई थी 1987 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए जो राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी थी इसकी स्थापना हो चुकी थी 1938 में, पर 1987 में इस राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकेडमी किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों FRI में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को। ठीक है, 28वां प्रश्न दोस्तों कि सीमांत वार्ता नामक पत्र प्रकाशित होता था। दोस्तों सीमांत वार्ता नामक पत्र जो प्रकाशित होता था तो वह आपका देहरादून से होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक जो बोला जाता है तो वह दोस्तों जॉन मैकिनन को बोला जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में पहला समाचार पत्र जो निकला था तो वह दोस्तों द हिल्स निकला था। ठीक है, और द हिल्स समाचार पत्र किसके द्वारा निकला, जॉन मैकिनन के द्वारा। ठीक है, कहाँ से निकला था, मसूरी से। ठीक है, ये दोस्तों 1842 में निकला और 1850 में दोस्तों यह बंद हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर गोविंद पंत का जन्म कब हुआ तो दोस्तों हर गोविंद पंत इनका जन्म 19 मई 1885 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ तो दोस्तों सल्ट में हुआ था। सल्ट का गांधी दोस्तों कहा जाता है हर गोविंद पंत को। ठीक है, और दोस्तों जो कुमाऊं कांग्रेस थी उस कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी हर गोविंद पंत को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इनकी रचना थी दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद, और इस रचना के लिए ही दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी, और पहली बार दोस्तों यह पुरस्कार जो दिया गया था 1954 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हेमतरंगणी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई। फ्रेंड्स लैंसडाउन छावनी की स्थापना 5 मई 1887 को हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस लैंसडाउन छावनी में ही दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। दोस्तों हिमालयन आर्ट पुस्तक यह है जी सी फ्रेंच की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है, जी सी फ्रेंच की। ठीक है, दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है तो यह दोस्तों किशोर लाल वैद की पुस्तक है। ठीक है, गढ़वाली चित्र शैली ये जो पुस्तक है यह दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक है। पहाड़ी घसियारे तो ये दोस्तों रणवीर सिंह की पुस्तक है। ठीक है, कुमाऊं चित्रकला तो यह दोस्तों यशोधर मटपाल की पुस्तक है। ठीक है, और ये तीन पुस्तक आपको बताई हैं दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल की पुस्तक है। तो ये दोस्तों, और एक आती है दोस्तों कुमार स्वामी की पुस्तक। ठीक है, और कुमार स्वामी की पुस्तक है दोस्तों राजपूत पेंटिंग। ठीक है, कि राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है तो दोस्तों कुमार स्वामी की। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों पेंटिंग्स वाली जो पुस्तकें हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताना है आपको, अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो दोस्तों अमर शहीद वीर चंद्र केसरी को जो फांसी दी गई तो वह दोस्तों दी गई थी 3 मई 1945 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों,
इनकी बात करें हम वीर केसरी चंद की, तो इनका जन्म जो हुआ था तो चकराता के क्यावा गांव में हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि चकराता के क्यावा गांव में वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था। दोस्तों जौनसार का वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे। ठीक है दोस्तों, इनकी इन्हें जो फांसी दी गई थी तो 3 मई 1945 को दी गई थी। ठीक है, और 3 मई को ही दोस्तों इनके बलिदान दिवस पर चोली थात में मेला लगता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि वीर केसरी चंद की याद में कहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों चोली थात में किया जाता है, और कब? 3 मई को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, जिस कारण इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, वीर केसरी नामक जो रचना है इसके लेखक हैं पंडित शिवराम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीर केसरी नामक रचना के लेखक पंडित शिवराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है दोस्तों कि आलम सरिया कांठा नामक पहाड़ी स्थित है। दोस्तों आलम सरिया कांठा ये पहाड़ी दोस्तों नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। दोस्तों जो नैनी झील है ये नैनी झील दोस्तों 7 पर्वत चोटियों से घिरी है, और इन 7 पर्वत चोटियों में से ही आलम सरिया एक चोटी है। ठीक है, ये जो दोस्तों 7 पर्वत चोटियां हैं, पहली चोटी है दोस्तों आयार पात। ठीक है, आयार पात। ठीक है, दूसरी चोटी है दोस्तों देवपात। ठीक है, तीसरी याद रखिएगा हाड़ी वादी। ठीक है, चौथी है दोस्तों चाइना पीक या चीन पीक। ठीक है, और पांचवी है दोस्तों स्नो व्यू, छठी है दोस्तों आलम सरिया, और सातवीं है शेर का डांडा। ठीक है, तो ये 7 तो चोटियां आप याद रखिएगा जो नैनी झील के चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, नैनी झील की बात करेंगे दोस्तों, इसे त्रि ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज की गई थी तो इसकी खोज दोस्तों 1841 ईस्वी में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, और इसी के किनारे दोस्तों नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताना है फ्रेंड्स कि फ्रीकी झरना किस जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स फ्रीकी झरना यह भी दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, 38वां प्रश्न है कि किनका संबंध ब्रेल लिपि से है, तो दोस्तों ब्रेल लिपि से जो संबंध है तो वह कुंवर सिंह नेगी का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कुंवर सिंह नेगी को दोस्तों द्वितीय हातमताई के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जिन्होंने दोस्तों ब्रेल लिपि विकसित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों वुडस्टॉक स्कूल यह मसूरी में स्थित है, इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1888 में दोस्तों ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ओक ग्रोव, तो इस स्कूल की स्थापना 1888 में की गई, वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में की गई थी। ठीक है, 40वां प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। दोस्तों राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की थी। दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई थी तो वह दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न इस टेस्ट के, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण थे, इम्पोर्टेंट थे। हर एक प्रश्न को दोस्तों हमने डिटेल में जाना, जिससे आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स मेरे द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, और ये सभी फैक्ट्स दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने पिछले 8 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप उन्हें जरूर लगाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। आप दोस्तों इस क्लास का भी शेयर जरूर, अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों,
आज का आपको होमवर्क है कि अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।